दिल्ली हिंसा में आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। एक ओर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अगर कोई आम आदमी पार्टी का दोषी पाया जाता है तो उसको डबल सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है, दुगनी सजा मतलब अब ताहिर के साथ साथ उनके आका को भी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। निर्धारित समय सीमा में इस केस आरोपियों को और साजिशकर्ताओं को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 400 बार चाकू से गोद नायक आईबी अफसर को, धार्मिक असहिष्णुता ने आपको कितना गिरा दिया। हम आपको बता दें, यहाँ मनोज तिवारी का आका से मतलब था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो कुछ भी हुआ उसमें उनका भी हाथ है। गौरतलब है कि आप पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज होने के बाद अब उनको पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों की जब तक जांच नहीं हो जाती और वह पाक साफ निकल कर नहीं आते तब तक वह प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित रहेंगे। ताहिर पर आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अंकित शर्मा के खिलाफ दयालपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने भी इसी तरह का भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके कारण दिल्ली में दंगाइयों को और भी ज़्यादा प्रेरणा मिली और आग इस तरह से फैली कि पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। SPN 9 से नाजमिन की रिपोर्ट।